यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं, P कैन ए डू वर्क इन 20 डेज, P प्लस Q कैन ए डू इन 12 डेज टुगेदर, अगर दोनों मिलके काम करें तो 12 दिन में काम करते हैं, हाउ मेनी डे Q कैन डू इट अलोन, अगर Q अकेला काम करे तो इस वर्क को कितना काम कितने दिनों में काम कर सकता है। उसके बाद हमने सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए P कितने दिन में काम करता है 20 डे में, P प्लस Q कितने दिन में करते हैं 12 डेज में, हमने सबसे पहले LCM निकालना, तो LCM कितना आ गया, LCM आप निकालिएगा तो 4 से 3 5 तो कितना आ गया 16 आ गया, ये कितना हो गया, ये टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क कितना आ गया 16 आ गया। उसके बाद अब हम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, इफिशेंसी, इफिशेंसी ईच पी एंड क्यू का इफिशेंसी कितना आया 60 आया, टोटल वर्क कितना है 60 है, 60 है। उसके बाद हमने यहाँ पे कितना है, ये पी है पी कितने दिन में काम करता है 20 डेज में, और यहाँ पे कितना है पी प्लस क्यू दोनों मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं 12 डेज में, तो यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 5। आपको यहाँ पे भी देख के मालूम चल रहा है पी की इफिशेंसी कितनी है 3 है, इफिशेंसी मतलब क्या है पर डे वर्क पी का, और यहाँ पे कितना है पी प्लस क्यू पर डे यहाँ पे इफिशेंसी है। अब हम इसमें क्या निकाला है, पी प्लस क्यू कितना है, पी प्लस क्यू इफिशेंसी कितना है 5 है, और यहाँ पे कितना है पी की इफिशेंसी कितनी है 3 है, पी की 3 है, तो यहाँ पे पी प्लस क्यू मिल के 5 है, पी की वैल्यू 3 है, तो आपको क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्यों कितनी हो जाए, पी प्लस क्यू 5 है, सिंपल सा मैथ है, पी प्लस क्यू इक्वल टू 5 है और पी 3 है, तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी, ये कितनी होगी पर डे इसकी इफिशेंसी आ गई। अब इसमें पूछ रहा है अकेला क्यों कितने दिनों में काम कर पाएगा, क्यों अकेले दिन में कितने काम करेगा, टोटल वर्क कितना है, टोटल क्यू डू कितने दिन में, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय क्यू इफिशेंसी, क्यू की इफिशेंसी निकालना है, तो यहाँ पे कितना आ गया, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 60 डिवाइडेड बाय क्यू की इफिशेंसी 2, तो कितना आ गया 30, तो यहाँ पे आंसर कौन सा आ जाएगा 30। ओके थैंक यू, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।